गुड आफ्टरनून ऑल, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 30 फ्रॉम द चैप्टर ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम ग्लास 1.5 टू वाटर 1.33. फाइंड द रेंज ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन फॉर विच देर आर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 में अपन एक ग्राफ प्लॉट किए थे डेल्टा वर्सेस आई का. ठीक है, आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 29 का वीडियो देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. ठीक है, और इनफैक्ट किसी भी डेंस मीडियम से मैं अगर रेयर मीडियम की तरफ लाइट को इंसिडेंट करता हूँ तो क्या होता है, छोटे एंगल्स ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्रैक्शन होता है, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर मैं बड़ा करते जाऊँ और क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा कर दूँ तो TIR हो जाता है. तो डेल्टा वर्सेस आई का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, ऐसा और ऐसा. ये ग्राफ आपको पहली बात तो याद ही होना चाहिए, है ना. तो ये ग्राफ बनता है जिसमें ये वैल्यू होती है क्रिटिकल एंगल सी पे, जो वैल्यू होती है वो होती है π/2 - c, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस सी पे जो एंगल ऑफ डिविएशन आता है वो π/2 - c आता है. और जैसे ही अपन सी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, सॉरी, जैसे ही अपन आई को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, TIR स्टार्ट हो जाता है और ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है. और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ट्वाइस ऑफ π/2 - c. ठीक है, इतना अपन क्वेश्चन नंबर 29 में देखे थे. और इनफैक्ट ये ग्राफ आपको इतना आपको याद होना चाहिए, ये दोनों वैल्यूज याद होनी चाहिए, है ना. सी क्या है, क्रिटिकल एंगल. ठीक है, और ये ग्राफ किसके बीच में है, डेविएशन वर्सेस आई के बीच में. ये वाला सेक्शन क्या डिनोट कर रहा है, रिफ्रैक्शन, और ये वाला सेक्शन जो है वो TIR डिनोट कर रहा है. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द रेंज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन फॉर विच देर आर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस. तो भाई देखो साफ साफ, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ, मान लेते हैं ऐसी, तो ये क्या शो कर रही है कि ये लाइन एक ही बार कट की ग्राफ को. इसका मतलब इतने एंगल ऑफ डेविएशन के लिए जो आई है वो इतना होना चाहिए. ठीक है ना, इतने एंगल ऑफ डेविएशन के लिए आई इतना होना चाहिए. जबकि अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी बनाऊं तो ये ग्राफ को दो बार टच कर रही है. इसका मतलब ये हुआ कि इतने एंगल ऑफ डेविएशन के लिए यहां पर, सॉरी, हाँ देखो, इतने एंगल ऑफ डेविएशन के लिए एक तो आई यहां पर आ रहा है और एक तो आई यहां पर आ रहा है. ठीक है, तो इसको मैं I1 बोल लेता हूँ और I2 बोल लेता हूँ. तो क्या देखने को मिल रहा है कि दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे सेम एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है. ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या पूछा है, फाइंड द रेंज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन फॉर विच देर आर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस. तो साफ साफ दिख रहा है कि इतना जो पोर्शन है ग्राफ का, ठीक है ना, इतना जो पोर्शन, उसमें क्या हो रहा है कि एक एंगल ऑफ डेविएशन में, यानी कि एक वाई पे दो एक्स मिल रहे हैं अपने को, एक डेल्टा पे दो आई मिल रहे हैं अपने को. ठीक है ना, तो यही वाला सेक्शन है, तो इसकी रेंज निकाल लो भाई, है ना. रेंज कौन सी है इसकी, अब रेंज किसकी पूछा है, एंगल ऑफ डेविएशन की रेंज पूछा है, आई की रेंज नहीं पूछा है. ठीक है ना, तो वो रेंज कौन सी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि 0 से लेकर π/2 - c तक. ठीक है, क्योंकि भाई ये y एक्सिस में अगर देखोगे तो कितना रेंज कवर कर रहा है y एक्सिस में, 0 से लेकर इतना. ठीक है, अब π/2 - c कितना हो जाएगा, π/2 - c. c कितना होता है भाई, साइन इनवर्स ऑफ दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो, है ना, 1.33/1.5. तो 1.33/1.5, तो ये हो जाएगा π/2 - sin inverse of 1.33 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/3, और 1.5 को मैं लिख सकता हूँ 3/2. तो ये आ गया π/2 - sin inverse of 8/9. π/2 - sin inverse of 8/9 क्या होता है, cos inverse of 8/9. ठीक है ना भाई, तो बेसिकली ये जो एंगल है वो कितना आ गया, इतना आ गया. तो रेंज कितनी होनी चाहिए डेविएशन की, 0 से लेकर इतनी, जिसमें दो एंगल्स ऑफ इंसिडेंस आएंगे सेम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए. ठीक है, तो दैट्स इट.
ये इसका आंसर है, 0 से लेकर कॉस इनवर्स ऑफ 8/9। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेना अगर नहीं देखे होगे तो, और अगर नहीं समझ में आया है क्वेश्चन नंबर 29 तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है इस टाइप के कई क्वेश्चंस को बनाने के लिए, है ना। इनफैक्ट जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 है उसमें भी इस ग्राफ का यूज़ आएगा, है ना, तो वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।